आप बताइए सैटरडे की सुबह ब्रंच, इससे बेहतरीन ब्रंच मिलेगा आपको? लीजिए हम फिर से हाजिर हैं एक और वीडियो लेकर आपका सिंगापुर से। और जैसा कि आपको टाइटल से लग रहा होगा कि ये फूड ब्लॉग होने वाला है, और फिर से आना पड़ा मुझे सिंगापुर। इससे पहले मैंने साइकिल चलाई थी, वो शायद आप काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा चलिए। और वैसे भी पेरू के वीडियोज़ में पॉज आ गया है 200 वजह से। मैंने पहले भी बोला आपको कि मैंने उसमें वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में, मतलब उस वाले पेरू वीडियो में जब 200 व्यूज़ आएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। और जनता थोड़ा सा साथ दे रही है, थोड़ा सा नहीं साथ दे रही है। 140 अभी मैं जब सुबह निकला हूँ घर से तो 140 व्यूज़ हुए हैं, एक हफ्ते हो गए हैं। मैं ऊपर फिर से ऊपर और कितना ऊपर, सो उसमें लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही बचौती होती रहेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी बचौती ज़्यादा हो पाती है, अदरवाइज़ तो ठीक है। पहले भी घूमते थे, आज भी घूमते हैं, वीडियोज़ पहले नहीं बनाते थे शायद अब बनाते हैं, वैसा कुछ हो गया है। मैं आपको एक बार सिंगापुर की सड़कें भी थोड़ी सी दिखाता हुआ चलता हूँ। चलिए वापस आते हैं इस वीडियो पे। तो ये वीडियो होने वाला है आपका एक हॉकर सेंटर से, और कुछ ज्ञान देते तो मैं हॉकर सेंटर तक पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैं दिखाऊँगा एग्जैक्टली हॉकर सेंटर कहते किस चीज़ को है सिंगापुर की भाषा में। तो बेसिकली एक आपका ये बेसिकली एक फूड कोर्ट जैसी नामक जैसी चीज़ है, और लगभग 100 से ज़्यादा आपके हॉकर सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं सिंगापुर में। उनके वन ऑफ दी हॉकर सेंटर से मैं जा रहा हूँ। टिपिकली फूड कोर्ट्स हैं, जैसे कि आप अपने इंडिया में मॉल्स वगैरह में जाते हैं जो ऊपर आपको फूड कोर्ट्स दिखते हैं, वैसा सेटअप कुछ काफ़ी ज़्यादा फूड जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि एक फूड कोर्ट में, एक हॉकर सेंटर में लगभग 50 से 60 आपके फूड जॉइंट्स होंगे, तो काफ़ी सही स्प्रेड ऑफ फूड आइटम्स मिल जाता है आपको। इंडियन भी मिलेगा, मलय मिलेगा, काफ़ी कुछ जितने भी आपको जीन्स थोड़े बहुत साउथ एशिया के सोच सकते हैं वो सारे कुछ जीन्स मिलते हैं आपको। और टिपिकली जो ओपनिंग टाइम है वो, ये कुछ चीज़ें मैं देख कर आया था, इसलिए मुझे ज्ञान देने का मन था, ज्ञान दे रहा हूँ मैं। लगभग सुबह 8 बजे से रात की 11, 11:30 बजे तक ओपन रहते हैं, तो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप ऑलमोस्ट हर मील को कैटर करते हैं ये, और काफ़ी बसड़ है अभी। आई होप कि क्योंकि आज सैटरडे है, आई होप कि एक्सपेक्टेड बसड़ जितनी होनी चाहिए वीकेंड्स पे उतनी होगी। और यहाँ पे एक सिंगापुर में एक और कल्चर है, थोड़ा सा जनता ज़्यादा बाहर खाने का कल्चर ज़्यादा है, तो आपको हमेशा हॉकर सेंटर्स में बसड़ दिख जाएगी। एक चीज़ और मैं सोचा, मुझे किसी लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया जब, हाँ तो जब मैं सिंगापुर में कहीं बोलता हूँ कि $10, $20, तो बेसिकली $20 आपके US डॉलर नहीं है, वो आपके सिंगापुरियन डॉलर्स हैं, विच इज़ लगभग 50-52 रुपए के हिसाब से। तो इजी कन्वर्जन है, अगर मैं $2 बोलता तो मतलब लगभग आपके 100 रुपए। तो जैसे मैंने उस दिन आपको लास्ट वाले साइकिलिंग वाले वीडियो में बताया कि कहते हैं आपका फ्लायर की जो कॉस्ट है वो लगभग $30 है, तो 30 × 50 तो लगभग 1500 रुपए आपके इंडियन करेंसी के हिसाब से। बहुत नज़दीक पहुँच गया हूँ मैं इस हॉकर सेंटर के, मैं हॉकर सेंटर के बाद पहुँचता हूँ फिर आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक कैसा उसका सेटअप होता है। बाहर से दिखाऊंगा, फिर अंदर चल के सर्च करेंगे कुछ खाने पीने के लिए, फूड हंट देखते हैं कि क्या मिलता है। और सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं, मेरा आज की शनिवार की सुबह का शायद तक क्या मतलब पहला निवाला होने वाला है। तो चलिए, भूख तो लग रही है, 11 बज गए, पेट में चूहे ऑक्टोपस सब कूद रहे हैं, तो पहुँचते हैं और ढूंढते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, ताकि और भी सुबह का दिन है, शनिवार का दिन है, पूरा दिन बचा हुआ है बकचोदी करने के लिए। चलिए आपको एक बार आगे फिर से दर्शन कराते हुए सिंगापुर की गलियां, सड़कें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो, और अगर आपके मन में, जहन में कुछ और सवाल जवाब हैं तो कमेंट करके, मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया कहा था लोग सवाल जवाब कम देते हैं, ऑक्टोपस वाले वीडियो में जाके गालियाँ ज़्यादा दे देते हैं। और भाई शायद तक काफ़ी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि लगता है कल फ्राइडे था, काफ़ी जगहों पर इंटरनेट थोड़ा सा क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन उसकी काम डाउन की गई, और भाई जो जनता ने भसड़ मचाई है कहते हैं ऑक्टोपस वाले वीडियो में, चलिए कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी, ये तो चलता रहता है सोशल मीडिया के चैनल्स पे। लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पहुंच गया हूं, अगर आपको दिख पा रहा होगा, इस फूड कोर्ट का नाम है बेसिकली पसीर पंजांग हॉकर सेंटर, कह लीजिए या फूड सेंटर, दोनों चीज़ें लिखी रहती कहीं पर, आपको हॉकर सेंटर लिखा हुआ दिख जाएगा, और यहाँ पे फूड सेंटर लिखा हुआ। देखिए एक टिपिकल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो ये देखिए दो सेक्शन में बटा हुआ है, ये सामने एक सेक्शन है जिसमें लगभग आपको काफ़ी दुकानें दिख रही होंगी, और सामने एक और दूसरा सेक्शन है जिसमें और दुकानें हैं फूड की बेसिकली।
और यहाँ पे अगर आपके पास गड्डी है सिंगापुर में तो आप यहाँ पे आके पार्क वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी खुली नहीं है क्योंकि अभी सुबह सुबह 11 बजे देखिए धीरे धीरे खुलना शुरू हो रही है। मैं थोड़ा कुछ सबसे पहले कुछ पीने के लिए ढूंढता हूँ, प्यास लग रही मुझे। सबसे पहले एक जूस शॉप दिख रही है मेरे को, वहाँ पर कुछ पीने के लिए उठाते हैं। अभी काफ़ी शॉप्स ओपन नहीं हुई हैं ऐसा मुझे लग रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी भाई जैसे मैंने बोला कि 11 बज रहे हैं, शायद तक सारी शॉप्स धीरे धीरे ओपन होती हैं। ये काफ़ी मैं सोच रहा हूँ लेता हूँ आपका आइस हनी जिंजर, सो वन आइस हनी जिंजर, आइस हनी जिंजर सी हैविंग अस। और ये देखिए काफ़ी तरह की चाय और कॉफ़ी, मैं इसका भी कभी शायद एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपको, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की देखिए कॉफी चीनो ते चीनो माइलो तारिक, काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशन शुगर और दूध के और कॉफ़ी या चाय के, उसके बेसिस पे आप अलग अलग नॉमिनेचर हो जाता है इनका। चलिए इसको ले लेता हूँ हाथ में, उसके बाद फिर आगे कुछ खाने के लिए उठाएंगे। एक टिपिकल सेटअप आपको मैं दिखाने की चाह रहा था, वो देख लो आप। ओपन वन दो में वन क्लास ये देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये बस। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँ और सुबह सुबह का जो नाश्ता होने वाला, मैंने एक चीज़ ये ऑर्डर किया आपके दो म्याओ, जो कि आपको एक हरे साग साग लग रहे हैं, और साथ में ऐसे क्लैम्स। अगर आपने बचपन में कभी सीप वगैरह खेले हो, क्लैम्स मांग रहे हिंदी में क्या समझा मैं आपको। उसके बाद ये हो गया आपके स्नेल जैसे लग रहे हैं गोंग गोंग, और वो और दाम भी मैं बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इसकी जो कीमत है क्लैम्स की, जो कीमत है वो आपकी $8, मतलब कि हो गया आपके ₹400, और साथ में वो उसकी भी कीमत जो है आपकी $8, मतलब कि ₹400। कुल मिला के सुबह का नाश्ता 8 और 8 16 16, मतलब कि आपके ₹800। What are they? Shoot, shoot. Yeah, spicy. Sambar. Oh, this is spicy? No, spicy. This one water boy only. I give you the not sambar. Spicy, right? No. Okay. And this spicy? No. No spicy, right? Which is the most spicy? Vegetable spicy chicken. Oh, the sambal, the kong kong. Very spicy. Okay, lah. So spicy or can? No spicy. No can. Garlic also okay. चलिए बैठ जाता मैं यहाँ पे। ये चीज़ें अभी भी जनता काटती फीटती हुई, और ये चीज़ें जो एक चीज़ आपको ऊपर देखो लिखा हुआ है रिटर्न योर ट्रे कीप द टेबल्स क्लीन, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है यहाँ पे कि अगर आप खाने के पीने के बाद आप अगर आप सामने दिखे ट्रे एरिया है जहाँ पे आप अपना ट्रे खाने के बाद वहाँ पे रखना होता है आपको ट्रे रिटर्न नहीं जाएगी। देखिए अगर पीछे भी अगर आप देख रहे हो ट्रे रिटर्न नहीं जाएगा। तो चलिए इसको पीता रहता हूँ, और जब आता है तो फिर आपको आगे कुछ और चीज़ें दिखाने का इनको। क्लैम्स आएगा ऑक्टोपस के बाद, एक और नया सी फूड खाते हुए क्लैम्स होगा नहीं है बस, और वो भी आपका ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट ही कहेंगे सुबह से कुछ नहीं खाया तो काइंड ऑफ कहते हैं आपका ब्रंच कह लीजिए या ब्रेकफास्ट कह लीजिए, जो मर्जी हो कह लीजिए आप। मैं कहता कि लीजिए मेरे वो जो सबसे पहले ये आसानी से पक जाते हैं, इसलिए ये सबसे पहले आ गए आपके। क्लैम्स बनने में टाइम लगेगा, और डो मियांग आपका बहुत ही सिंपल, अगर आप देख रहे हो कि केवल एक बहुत ही सिंपल आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए गार्लिक वगैरह है, गार्लिक ऑब्वियसली काफ़ी चाइनीज़ फूड का स्टेपल इंग्रेडिएंट्स हो जाता है, और साथ में आपका थोड़ा सा
ऑयस्टर सॉस जैसा कुछ चीज़ भाई बैठे। और साथ में मैंने एक और चीज़ काम किया था, ये एक बॉल ऑफ राइस मंगा लिया जो कि आपकी कीमत होती है 50 सेंट, यानी कि आपकी 2500 रुपये की ये राइस, और साथ में ये आपका 400 रुपये का साग। तो बेसिकली मतलब जैसे सुबह सुबह का नाश्ता भी इसे हेल्दी और करेंगे। कुछ नहीं मिला, कोई तेल नहीं, बॉयल किया हुआ साग और साथ में बॉयल किए हुए चावल भाई, बॉयल से हम लोग भी इंडिया में ये सब चीज़ें खाते लेकिन शायद इस तरह से बॉयल करके साग हम लोग कम बनाते हैं। हम लोग हमेशा स्टफ आई है हमें आपको वैसे बॉक्स स्टाइल में बनाने के बनाते हैं, बट ये बस हल्का हल्का बॉयल और आपका हो गया। ऑलरेडी स्पाइसी? या ओह नो सांबल एलिक साइड सारी सांबल ओनली सांबल साइड ओके साइड जी। मैंने जैसे मैंने पहले बोला था कि मैंने क्लैम्स ऑर्डर किए थे, बट थोड़ा चेंज कर लिया मैंने और क्लैम्स के बजाय में बेसिकली आपका ये स्नेल्स जैसे हैं स्नेल्स तो, और थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं आपको सम। तो इसमें क्या सीन है कि पहले से ही ये आपका सांबल सॉस में स्टर फ्राइड होके आए हुए हैं, तो कुछ अलग से आपको कुछ किसी चीज़ में डिप करने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले मैंने कहीं पे तो खाया था, उसमें क्या होता है कि आपको आपको बगल साथ में सांबल सॉस वगैरह देते हैं तो उसमें डिप करके खाना होता है। इसमें क्या है कि सब कुछ एक साथ ही पहले ही स्टर फ्राइड होके आया हुआ है, तो करना क्या है आपको, मैं चॉपस्टिक नहीं यूज़ करूँगा तो पहले तो देखिए ये रहा और इसको सेल से ज़्यादा शायद सांभर सॉस फ्लेवर आ रहा है। देखिए मैंने क्या कर रहा है कि सामने कैमरा लगा देता कि दोनों हाथ फ्री हो गए, अब खाने में थोड़ा सा आसानी होगी। इन्होंने एक काम ये भी किया है कि मुझे एक ऐसी चीज़ दे दी है ताकि मैं अगर निकालना चाहूँ तो मैं निकालूंगा नहीं एक बार फिर पता नहीं आपको इस GoPro में कितनी इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी नहीं, लेकिन एक स्लर्प करने की आवाज़ है वो बात ही सही सी आ रही है। ओ भाई ये रही है। अब ये सही से ठीक है मेरा स्नेल्स आपको हिंदी में अगर मैं समझा होती तो मुझे पता है घोंगा कहते थे हम लोग बचपन में, पता नहीं आपके शहर आपके गांव में क्या कहा जाता है, शंख का छोटा ये फायदा कि मैंने कैमरा उधर रख दिया तो अच्छे से बाबा रहा थोड़ा सा ऑब्वियसली क्लम्सी है खाना इसको, पर चीज़ बेहतरीन है। नॉनवेज खाने का शौक रखते हैं, सी फूड खाने का शौक रखते हैं तो बच्चों की खाने का शौक ज़रूर खाइए। ये देखिए पोस्टमार्टम कर दूंगा भाई मैं, वेरी गुड। आप बताइए सैटरडे की सुबह ब्रंच, इससे बेहतरीन ब्रंच मिलेगा आपको? ओ ये देखा सी फूड के शौकीन इंसान अगर आप देख रहे हैं और थोड़ा सा भी अनकन्वेंशनल खाने अंदर होते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ है।
थोड़े गंदे होते हुए। हाँ मैं ये कह रहा था कि चलिए ये ख़त्म हो गया मेरा और चलिए भोजन हो गया, लगभग 12:30 बज गए हैं, 12:30 हो गए हैं। पहले कुछ पीने के लिए ढूंढता हूँ, उसके बाद फिर आगे इस वीडियो को विराम देंगे। थैंक यू। गन्ने का रस। हाउ मच इज फॉर 20? No, this is fine. Thank you. Thank you, sir. ये देखिए थोड़ी सी बारिश हो गई थी जो मैं आपको बोल रहा था, और ये गन्ने का जूस फिर से लगभग $1.8, लगभग 90 रुपये का माल। तो चलिए वॉक करता हूँ घर की तरफ और इस वीडियो को विराम देने की कोशिश करते हैं। एक बार सम अप करने की कोशिश करूँगा कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा पसंद आएगा, कितना दाम रहा लगभग। तो देखिए शुरुआत कितने किससे किया हमने, आपका जिंजर हनी था बेसिकली $2, उसके बाद आपका वो साग जैसी चीज़ और राइस वो $8.50, और फिर क्या कहते हैं स्नेल्स चुट आपके $10, तो और ये फिर से लगभग $2, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका $22, और $22 हो गए लगभग आपके 1100 रुपये। थोड़ा सा महंगा आपको ज़रूर लगेगा अगर इंडिया के हिसाब से देखोगे आप, जितना भी जिस तरह का भोजन था और जितना उसका दाम है, बट ओबियसली सिंगापुर है तो चीज़ें। तो ये एक और चीज़ की वीडियो मैं कभी एक चीज़ का वीडियो जरूर मैं बना सकता हूँ कभी। काफ़ी लोगों को ये सवाल ज़रूर होता है कि कितना एक्सपेंसिव है आपका सिंगापुर, तो वो चीज़ वीडियो बना सकते हैं, आपको खाने पीने के एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कितना कॉस्ट है, क्या सीन है। तो चलिए सुबह का नाश्ता और लंच समझ लीजिए कि साथ में हो गया मेरा। रेड लाइट एक बार देख लीजिए, क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पे, जे वॉकिंग पे फाइन फिलहाल नहीं है, तो अगर आपको दिखता है कि हाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं पेडेस्ट्रियन होने पर क्रॉस करने की। तो चलिए इतना भोजन करने के बाद घर पहुँचते हैं, इस वीडियो को अपलोड करते हैं और फिर क्या कंबल डालते हैं और सोते हैं। और आई होप आप मेरे उस पेरू वाले वीडियो पे भी 200 व्यूज़ देखे, ताकि मैं अपना आगे पेरू और माचू पीछू जो मैंने बहुत श्रद्धा के साथ घूमा और रिकॉर्ड किया है वो आपका आगे दिखा पाऊँ। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पे, तब तक घूमिए आवारा।